नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है जो हमारी इंडियन आर्मी अग्निवीर नर्सिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी जो वैकेंसी है वो कंफर्म नहीं की है, परंतु वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे अलग अलग स्टेट हैं उनके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहला नंबर कहीं देख लिया है जो कि हमारा लखनऊ से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, सब में हमारी डिटेल सेम ही दी गई है, परंतु उसमें थोड़ा अलग अलग स्टेट का दिया गया है। तो फ्रेंड्स, बाकी सब सेम है, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट ही नोटिफिकेशन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है हमारा रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर www.joinindianarmy पे जाकर आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। वहाँ पर देखिए, जो हमारी फॉर्म भरने की डेट है वो हमारी 4 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में दी गई है। और यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स विल लॉग इन 15 नवंबर, मतलब 15 नवंबर से आप लॉग इन यहाँ पर कर सकते हो और प्रिंट आउट आपके एडमिट कार्ड का ले सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बताया गया है आपके जो ईमेल एड्रेस है वो 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में आपको मेल किया जाएगा, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा, एडमिट कार्ड दिया जाएगा और उसमें डेट दी जाएगी आपके एग्जाम कब से है या आपकी रिलीज कब से होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है और यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ शो की गई है। हमारी कैटेगरीज है हमारी सिविल टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एजुकेशन है आपको 12th में 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही आपके होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एज लिमिट, तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट आपकी 17.5 से 25 साल के बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 साल दी गई है वो हमारी सिर्फ इसी नोटिफिकेशन दी गई है, शायद आगे ना दी जाए क्योंकि कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर हमारी एज लिमिट है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हम फिजिकल स्टैंडर्ड जो आगे दिए गए हैं, यहाँ पर पहले उसको ही देख लेते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 1600 मीटर दौड़ करनी है 5:45 में और यहाँ पर देखिए आपको पुलअप्स करने हैं, उसके भी अलग से मार्क्स दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आपको पुलअप्स के भी अलग से नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप 10 पुलअप्स करते हो तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 पे 33, 8 पे 27, 7 पे 21 और 6 पे 16। फ्रेंड्स, देखिए साथ ही साथ आपको 9 फीट छलांग लगानी पड़ेगी जो कि क्वालिफाई करने के लिए नीड है। इसी तरह आपको जिगजैग बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों इनिशियल नीड है, मतलब ये तो आपको करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आपका मेडिकल टेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा जो कि विद इन 5 days से 14 days के बीच में आपका होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसके साथ ही साथ अगला आपका जो स्टेप है वो है आपका रिटर्न एग्जाम, इसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको CEE बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, ये भी आपको इनिशियल क्वालिफिकेशन के लिए आपको ये देना पड़ेगा और इसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो अलग से हमको एजुकेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है क्योंकि इसकी भी अलग से हमको नंबर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए वो भी आगे शो किए गए हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो आप NCC सर्टिफिकेट दिया गया है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और यहाँ पर देखिए सभी प्रकार के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो बोनस मार्क, मतलब अतिरिक्त आपको नंबर मिलेंगे अगर आप SOS, SOEX, SOW या SOW, मतलब ये होता है जो सैनिक के बेटे हैं या एक्स सर्विसमैन के अगर बेटे हैं तो अलग से आपको 20 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार अगर स्पोर्ट्समैन है या आपने कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आपने कोई स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का और आपने कोई मेडल जीता है तो उसकी भी आपको अलग से 15 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग सर्टिफिकेट के भी अलग अलग नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर किस चीज़ में कितने नंबर दिए जाएंगे वो सब आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, PDF के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये क्वालिफिकेशन तो सभी स्टेट में सेम ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मतलब अगर आप फॉर्म भरते हो, अगर आपको कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स कोई फॉर्म भरोगे और फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसके रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेट में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर देखिए अलग अलग जोन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको अलग अलग नोटिफिकेशन मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्टेट के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर बोर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर अलग अलग इनके नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, परंतु इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और अलग जो डिटेल है वो सब इसमें सेम है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑल इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेंड्स, इसमें आपकी जो फीस चार्ज की जाएगी वो बिल्कुल जीरो की जाएगी, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म भर सकते हो। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप अगर मोबाइल है उससे भी आप फॉर्म भर सकते हो, जैसे कि इंडियन आर्मी के फॉर्म बहुत सारे मोबाइल से भरे हुए थे। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस प्रकार की अपडेट सिर्फ इसी चैनल पर हम देते हैं और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी सबसे पहले हम इसी चैनल पर आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।